मित्रों, यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित ही है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शायद इसीलिए इस लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिस किसी की भी सांसें चल रही हैं, वो एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। इसीलिए ज्ञानी ध्यानी मनुष्य पुण्य के कार्य करते ही रहते हैं और अपने जीवन के परम उद्देश्य आत्मा की परम प्राप्ति, मोक्ष के द्वार तक जाना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो दिन रात अच्छे कर्म करते हैं और पुण्य प्राप्त करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन साथियों, कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो अगर मृत्यु के बाद किए जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं कर्मों में एक कर्म है कपाल क्रिया। यह कपाल क्रिया मृतक के परिजन तब करते हैं जब मृतक का शरीर अंतिम संस्कार के समय जल रहा होता है। इस कपाल क्रिया में परिजन मृतक के सिर पर 3 या 5 बार डंडा मारते हैं और शव के मस्तक को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? धार्मिक ग्रंथों में क्यों इस नियम को आवश्यक बताया गया है? आज की प्रस्तुति में हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को समाप्ति तक देखिएगा और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिएगा। मित्रों, गरुड़ पुराण वो पुराण है जिसे मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसीलिए इसमें मृत्यु से जुड़ी कई प्रकार की मान्यताओं का वर्णन किया गया है और इसी पुराण में मृत्यु के पश्चात कपाल क्रिया यानी कि मृतक के सर पर डंडों से प्रहार करने की क्रिया के बारे में अनेक आवश्यक तथ्य बताए गए हैं और हर एक हिंदू की मृत्यु के पश्चात इन नियमों का पालन किया जाता है। इस पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के समय जब मृतक देह को मुखाग्नि दी जाती है तो बांस के एक डंडे पर लोटा बांधकर उसमें घी डाला जाता है और उस घी को मृतक के सर पर उड़ेला जाता है ताकि मस्तक पूर्ण रूप से घी से पूरित हो जाए और अग्नि में अच्छी तरह से जल सके। लेकिन यदि फिर भी मस्तक अग्नि में समाहित नहीं होता है तो परिजन ब्राह्मण या पंडित के कहे अनुसार उस मृतक के सर पर डंडा मारकर उसे फोड़ देते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य की खोपड़ी देह दाह के पश्चात अधजली रह जाती है तो इसका असर मनुष्य के दूसरे जन्म पर पड़ता है, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और मनुष्य के प्राण भी स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए मृतक के परिजन अंतिम संस्कार की हर एक विधि विधान को पूर्ण रूप से करते हैं। हिंदुओं के एक और पावन ग्रंथ श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी इस विधि को आवश्यक बताया गया है और लिखा गया है कि मस्तक में ब्रह्मा जी का वास होता है। शरीर से आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए यह क्रिया अति आवश्यक है और इसी क्रिया के द्वारा मस्तक में उपस्थित ब्रह्मेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो पाती हैं। इसका एक और कारण है कि कई बार आपने किसी अघोरी बाबा या तांत्रिक लोगों को अपने तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इसी कपाल या मानव की खोपड़ी का उपयोग करते देखा होगा। सोचिए यदि आपके परिजन के साथ ऐसा हो जाए जिसका मस्तक पूर्ण रूप से अग्नि में विलीन ना हो पाए और वह मस्तक किसी अघोरी बाबा या तांत्रिक के पास पहुँच जाए और वो अपने तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस मस्तक को तांत्रिक विधि में उपयोग में लाए तो याद रखिएगा, उस मृतक की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी और उसके लिए मोक्ष का रास्ता असंभव हो जाएगा। कपाल क्रिया की महत्ता को समझने के लिए आपको शरीर से जुड़े पहलुओं, अस्थि मज्जा की संरचनाओं और कुंडलिनी चक्र के बारे में भी समझना होगा। इसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शामिल है। इसमें से सहस्त्रार चक्र कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ है। ये उस स्थान पर होता है जहाँ पर मनुष्य अपनी चोटी रखता है। यदि मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से निकल रही होती है तो यम नियम के अनुसार उस आत्मा के लिए ये संसार, संन्यास या कोई भी सिद्धि व्यर्थ ही होती है और वो केवल अब अनंत में स्थापित होना चाहती है। निरंतर ध्यान से ही मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है।
और कहा जाता है कि यहीं से मनुष्य ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जब हमारी आत्माएं शरीर का त्याग करती हैं, तो इसी सातों चक्रों अर्थात कुंडलिनी चक्र से होते हुए शरीर से दूर जाने लगती हैं और इन्हीं चक्रों के आसपास ही हमारे संपूर्ण जीवन की घटनाएं चलती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं से अंतिम मिलन के पश्चात ही आत्मा देह का त्याग करती है। शास्त्र भी कहते हैं कि आत्मा के द्वारा देह को त्यागने की यह यात्रा अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो तभी मोक्ष प्राप्ति आसान हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा शरीर से तभी निकल पाती है जब मस्तिष्क को अग्नि विलीन करने के लिए उसे फोड़ा जाता है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आत्मा मस्तिष्क से डंडों द्वारा फोड़ने के बाद ही निकले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अक्सर आप देखते हैं कि जब मानव के मृत शरीर को अग्नि प्रज्वलित की जाती है तब यदि उसका मस्तक तेज आवाज के साथ अपने आप फट रहा है तो यह ध्यान रखिएगा, अब उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो कपाल क्रिया अनिवार्य है। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में जो मान्यताएं, नियम और क्रियाएं बताई गई है वो आपके जीवन से लेकर आपके मरण तक कुंडलिनी चक्र के माध्यम से होती ही रहती हैं। और यदि आप हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।